सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल सोनू स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जल वाष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा गर्म होता है? विकिरण द्वारा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब सूर्य की किरणें जो हैं विकिरण के माध्यम से आती हैं, तो सूर्य की किरण उसी के कहने में उसी के टेम्परेचर से जो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, कौन सी पाई जाती है? आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है फ्रेंड्स? है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो कौन सी गैस है फ्रेंड्स? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन किसकी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है और 21% ऑक्सीजन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो हमारा उत्तर है 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो उत्तर हमारा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो फ्रेंड, क्षोभ मंडल के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं, ये जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं प्रत्येक हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत हमारा कहाँ है? समताप मंडल में स्थित है। ओजोन को हम इसका सूत्र होता है O3 से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो हम जानते हैं, भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना, यानी जो समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है, जो वहाँ से सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उन्हें क्या करता है? ओजोन परत रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? तो फ्रेंड, किससे परिवर्तित? आयन मंडल से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो किसका कारण है फ्रेंड्स? क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है, वो है अवक्षय का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की
कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो किसमें फ्रेंड्स कितना रहता है, क्षोभ मंडल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वायुमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सा रसायन, ये तो हो गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो किसमें रहता है, क्षोभ मंडल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, कौन सा फ्रेंड्स, ओजोन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है, तो बताइए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है, तो फ्रेंड्स कौन सा है, समताप मंडल उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। ये क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वायुमंडली परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, तो फ्रेंड्स बताइए किसको कहा जाता है, क्षोभ मंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडली परत को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड, बाह्यमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक है, तो किसका सूचक फ्रेंड, तूफानी मौसम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है फ्रेंड, 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है फ्रेंड्स, तो किसके ओर पाई जाती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर क्या भाई, शांत पेटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित हैं, कहाँ पे स्थित हैं फ्रेंड्स, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोलड्रम पेटी का विस्तार कितना है, बताइए फ्रेंड्स कितना है, तो डोलड्रम पेटी का विस्तार फ्रेंड्स कितना है, 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण, जो कि डोलड्रम पेटी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान वायुदाब कहाँ पाया जाता है, तो सामान वायुदाब कहाँ पाया जाता है फ्रेंड, सागर तल पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो फ्रेंड्स कितने, 79% भाग जो है 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, तो किस में होता है फ्रेंड, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मेघ गर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायु में किस मंडल में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस मंडल में तापमान का अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, तो बताइए फ्रेंड्स किसमें नहीं होता, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, तो फ्रेंड्स किसमें होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, किसमें होती है फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु, तो किसमें होती है फ्रेंड, ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक छिद्र बन गया है, आप सभी लोग जानते हैं ओजोन परत का जो अवक्षय हो रहा है, यानी ओजोन परत का क्षय हो रहा है, यानी ओजोन परत मतलब कम हो रही है, आजकल ओजोन परत घट रहा है, उसका कारण जो है, उसके कारण एक छिद्र बन गया है, वह छिद्र जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका पे स्थित है, जो कि वहीं से जो क्या होता है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट आती है,
तो बताइए फ्रेंड्स कितनी आती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है फ्रेंड? समताप सीमा कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के हमारे वायुमंडल संबंधी क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।